कभी मुझे लगता है कि मैं रिश्ते संभाल नहीं पाता। लोग मुझसे मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कोई आसेब जदा तो नहीं, कोई जिन या भूत तो नहीं लगा है मुझे। तभी तो लोग आते हैं, कुछ पल ठहरते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर न जाने कहां गुम हो जाते हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो रिश्ते ही कैसे कि जिनको संभालना पड़े, जो रोके से रुके और छोड़ने से छूट जाए। अगर आज रोकूंगा तो कल जाने की जिद करेंगे, तो फिर मैं कब तक, आखिर कब तक रिश्तों की भीख मांगता फिरूं। मैंने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, फिर वक्त ने खुद ही अकल में ये बात डाल दिया कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, और वो उम्र होने के बाद उस रिश्ते में वो बात नहीं रहती। फिर मुझे एक सवाल ने परेशान किया कि जब रिश्तों की उम्र पूरी हो जाए तो फिर क्या किया जाए। तो मेरे हिसाब से उसका एक ही इलाज है कि रिश्तों को मजबूरियों के जंजीरों में कैद न किया जाए, उसे मुकम्मल आजादी दी जाए। जो जुड़े रहना चाहते हैं उन्हें रहने दे, जो आना चाहते हैं वो आए, और जो जाना चाहते हैं वो जाए। बस आप एक काम करें, हमेशा आने जाने वालों को रास्ता दे, वास्ता ना दे। क्योंकि रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता तो वो है जिसे दिल से निभाया जाता है। सिर्फ अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। कुछ रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाए तो झुककर उन्हें उठा लेना चाहिए। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और आखिर में मेरी एक बात गौर से सुन ले, कभी कभी रिश्तों में फासले लाना भी जरूरी होते हैं, ताकि आपको पता चले कि वहां आपकी कदर, आपकी अहमियत, आपकी जरूरत है भी या नहीं, या आप खुद ही उन पर बोझ बनकर लदे हुए हैं। क्योंकि कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद ही सोच कर रख लेते हैं। बात समझ में आई?